नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ट्राइडियो टेक्निकल चैनल को और इस नए वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे आप नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, ये है मेरे पास रियलमी 2। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ इसकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको जाना है दोस्तों सेटिंग में। सेटिंग में सबसे नीचे ऑप्शन दे रखा है आपको सिस्टम ऐप, सिस्टम ऐप का ऑप्शन सबसे ऊपर मिलेगा आपको कॉल का ऑप्शन। कॉल में आपको जाना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर। तो जैसे ट्रू कॉलर बताता है आपको आइडेंटिफिकेशन के अननोन नंबर की, वो आपको बताएगा कि आपका ये कॉल कौन है, कौन आदमी किसकी आ रही है। तो इसमें ज़्यादातर आपके जितने भी कॉलिंग कॉन्टैक्ट हैं वो ज़्यादातर सेव होते हैं कंपनीज के और वैसे के। ब्लॉक में जाना है तो ब्लॉक में आप ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हो नंबर को, व्हाइट लिस्ट में भी डाल सकते हो। ब्लैक लिस्ट जिसका फ़ोन आपके पास नहीं है, आपका बिजी बताया, और व्हाइट लिस्ट जिसका फ़ोन आपका ऑफलाइन मोड पर भी आपका फ़ोन आ जाए तो वो व्हाइट लिस्ट में भी आप डाल सकते हो। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आपको कॉल रिकॉर्डिंग के लिए ऑल रिकॉर्ड करना है तो ऑल रिकॉर्ड कर सकते हो। आप चाहते हो कि अननोन नंबर की रिकॉर्ड हो, सिर्फ जो मेरे फ़ोन में सेव नहीं है नंबर, सिर्फ उन्हीं की रिकॉर्ड करनी है तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो फ़ोन के अंदर। डेस्टिनेटेड नंबर, जो पर्टिकुलर नंबर आप इसमें डाल दोगे, यहाँ से ऐड कर दो जो भी नंबर आपको, जिसकी भी रिकॉर्ड करनी है कॉलिंग, तो जब भी उसकी कॉल आएगी या जाएगी तो उसी की रिकॉर्ड होगी। चेक करने के लिए यहाँ पे स्टोरेज लिमिट आपको मिल रही है 1000 आइटम, 2000 रिकॉर्डिंग या फिर 3000 रिकॉर्डिंग। इसमें आप नो लिमिट का भी सेट कर सकते हो कभी भी, जब तक स्पेस नहीं भरेगा जब तक ये रिकॉर्ड करना कंटिन्यू रखेगा। उसके बाद आपको यहाँ मिल रहा है चेक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। चेक कॉल रिकॉर्डिंग में जो भी आपकी रिकॉर्ड हुई है आने वाली बात जाने वाली कॉल को, वो यहाँ पे सब आपको दर्शाएगा, बताएगा कि किस किस की आपने रिकॉर्ड कर रखी है। हटानी है, डिलीट करनी है, वो भी यहीं से होगी। चेक करनी है तो वो भी यहीं से होगी। धन्यवाद।